दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गैलेक्सी ग्रैंड प्राइम प्लस जी 532 को हार्ड रीसेट किस तरह करेंगे बटन के ज़रिए। दोस्तों, सबसे पहले वॉल्यूम अप, होम बटन और पावर बटन को एक साथ दबाएं। इसे तकरीबन 10 सेकंड तक दबाए रखें। जब आपको ये रोबोट दिखाई देगा तो उसे बटन हटा दें। इसके लिए इंतज़ार करें। पहले वो ऑप्शन होगा, बाद में ये नो कमांड वाला ऑप्शन होगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए इंतज़ार करें। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो आपको इस तरह मेन्यू दिखाई देगा, इसमें वाइप डेटा इफेक्ट रिसेट सेलेक्ट करें। उसको पावर बटन के जरिए क्लिक करें, फिर यस दबा दें। ये पावर बटन के ज़रिए दबाना है। जब ये फॉर्मेट हो जाए तो इसको रिस्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने के बाद इंतज़ार करें, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ऑन होने में। जब ये ऑन हो जाए तो इसके अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे। ये 62 में होता है, 68 में नहीं होता। तो दोस्तों, उसके लिए इंतज़ार करें। जब ये इंस्टॉल हो जाएंगे तो ये आगे मेन्यू में चला जाएगा। अभी इस मेन्यू में स्टार्ट पे क्लिक कर दें, इसके बाद नेक्स्ट दबा दें, इसके बाद फिर नेक्स्ट दबा दें। इसके लिए इंतज़ार करें, अभी फिर नेक्स्ट दबा दें। अभी फिर नेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, अक्सर जगह पर नेक्स्ट दबा दें। अगर आईडी की ज़रूरत हो तो आईडी दे, अगर आप देना चाहिए, अगर ना देना चाहिए तो उसको स्किप कर दें। जिस तरह वीडियो में दिखाई दे रहा है तो इसी तरह सेम इसी तरह करें। अभी देख सकते हैं, अब ये आगे मेन्यू में चला जाएगा।